सत्ता का नशा सर चढ़ के बोलता है। एक बार इस नशे में चूर हुए कि नहीं कि फिर कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि कहीं न कहीं ये भरोसा होता है कि राजनीतिक रसूख के चलते उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 11 के पार्षद महेंद्र भगोरा पर उनकी भाभी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, और यही नहीं, उन्होंने मारपीट करने की शिकायत पुलिस अधीक्षक को भी सौंप दी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रसूख के चलते शायद अंबामाता पुलिस पार्षद के खिलाफ कार्यवाही करने से हिचक रही है। अंबामाता स्थित एकलव्य कॉलोनी की हेमा भगोरा बताती हैं कि उनके देवर महेंद्र भगोरा, जो कि एक पार्षद हैं, और उनके बेटे साहिल ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उनके साथ एवं उनके परिवारजनों से मारपीट की है और घायल कर दिया। ये घटना 7 जुलाई को घटित हुई, जिसके बाद अंबामाता थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, लेकिन पार्षद पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। पार्षद महेंद्र भगोरा की भाभी के अनुसार पैतृक संपत्ति और जमीन विवाद में उनका हक मांगने पर ये सारी मारपीट का घटनाक्रम उनके साथ किया गया है। सुनिए आप भी पार्षद की भाभी का क्या कुछ कहना है। देखा है, 7 तारीख को ये घटना हुई थी, हमने कार्रवाई भी की। पार्षद होने के कारण वो उसकी जो धारा लगनी चाहिए थी वो धारा लगी नहीं। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, जितने मतलब इतने सालों से वो हमें तकलीफ में देता आ रहा है। हम चाहते हैं कि उसको सख्त सजा मिले, और आगे हमारे माँ बाप या मेरे भाई बहन को आगे रास्ते में कुछ भी हो गया तो सब उसका जिम्मेदार वही होगा। वो मारपीट की थी मेरे देवर ने, उसके बच्चों ने, नंदों ने बहुत बुरी कदर से मारा। मैं काम के लिए निकली थी घर से, और पीछे से आके फेंटो, बेटे ने फेंट सिर से बाल पकड़ के सिर में फेंटे फेंटे मारी थी, और बाप ने गला दबोच के मुक्के मारे मेरे सर पे। देवर ने, पार्षद ने, महेंद्र भगोरा ने, वो पहले से हमारे जमीन के बारे में चल रहा था, मैं मेरा हक मांग रही थी तो वो देना ही नहीं चाहता था। हर बार वो मेरे साथ ऐसे ही करता था, पहले भी मारा था, और हर बार जमीन मेरा हक मांगती तब मारने के लिए आता है। और उसकी औरत भी पिछली बार एक बार मारने के लिए आई थी अंबामाता थाने में, मैंने पहले भी केस किया था, उसकी सुनवाई हुई नहीं थी। अभी भी मारपीट आपकी बात बहुत बुरी कदर से की, और जानलेवा हमला किया। उसके बच्चों ने, उस बच्चे ने मेरे सिर में से पकड़ के फेंटे फेंटे मारी पीछे से आके, और मेरे बच्चे एकदम चिल्लाई तो बच्चे आए थे, इन पर भी जानलेवा हमला किया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।